अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल। बसीरत ऑनलाइन की टीम इस वक्त बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरे पर है और मुख्तलिफ हलकों का जायज़ा ले रही है। इस वक्त हम जो है बाजपट्टी हलके में हैं और बाजपट्टी हलके के हरपुरवा गाँव में हैं। अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कि इससे पहले जो बाजपट्टी हलके में तकरीबन पिछले 10 सालों से MLA है रंजू जी का, लेकिन इस वक्त ये देखने में आ रहा है कि तकरीबन पूरा जो ये हलका है, पूरा क्षेत्र है, वो अपनी तब्दीली का मन बना चुके हैं और मुकेश कुमार यादव जो RJD महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उसके हिमायत में खड़े हुए हैं और लहर चल पड़ी है। इसी सिलसिले में आज हम जब हरपुरवा गाँव पहुँचे तो यहाँ हमें एक टीम मिली जो टीम RJD महागठबंधन के लिए वर्क कर रही है। तो उसमें इस इलाके के मुख्तलिफ लोग हैं, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। हम चाहेंगे कि उन तमाम लोगों से उनकी राय जानें और वो तब्दीली चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारे सामने जनाब आफ्ताब आलम मिंटू साहब हैं जो बोखरा ब्लॉक के उप प्रमुख हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी राय। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का और आदरणीय लालू यादव जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक जमीन से जुड़े 15 वर्षों से लगातार संघर्ष करने वाले युवा नेता नानपुर के प्रमुख मुकेश कुमार यादव को उन्होंने 27 बाजपट्टी से टिकट दिया। उनका सही टिकट देना बाजपट्टी विधानसभा में मुकेश कुमार यादव को टिकट देने के बाद एक ऐसी लहर चल पड़ी है कि हमको लगता है कि यहाँ किसी भी उम्मीदवार से उनका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के युवाओं में, अनुसूचित जातियों में, अल्पसंख्यकों में, अति पिछड़ी जातियों में, महिलाओं में, तमाम लोगों में एक अजीबोगरीब लहर देखी जा रही है और मुकेश कुमार यादव बिहार में हमें लगता है कि सबसे ज्यादा वोटों से वो 27 बाजपट्टी से जीत के विधानसभा जाएंगे। रंजू गीता जो इस वक्त चाहते हैं त्रिगुण विधायक है, MLA है, 10 सालों में उन्होंने काम किया या नहीं? उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ अपना धन उगाही का काम किया। वो पटना में बैठकर दलाली और ठगैती और लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार का काम किया, लोगों को गलत मुकदमे में फंसाकर वो जेल भेजवाने का काम किया। वो महागठबंधन से पिछली बार चुनाव जीती थी, हम भी उनको बहुत मेहनत करके जितवाए थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ भी, मुसलमानों के साथ जो जोर जुल्म ज्यादती किया, वो सारे लोग 27 बाजपट्टी के लोग देख रहे हैं। वो पूरे तौर पर सांप्रदायिक महिला है और उनका पूरे 27 बाजपट्टी में हुड आउट किया जा रहा है। उनको गांव-गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनका कहीं कोई यहां नामो निशान नहीं है और मुकेश कुमार यादव चुनाव जीते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि वो भी अपनी बात रखें कि वो क्यों तब्दीली चाहते हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम गुफरान साहब और हमारे जितने भी RJD के कार्यकर्ता हैं, खासकर मैं जावेद भाई से या और भी लोग हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इकट्ठा होकर के हम लोग जो है आपके सामने में हाजिर हैं। भाई हम जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत है और जमहूरियत की पहली पहचान है तब्दीली। हम तब्दीली चाहते हैं। हम उसको 10 बरस तक रखा और 10 बरस तक उसका काम हमने देखा, लेकिन अब आप उब गए हैं। हम नए, हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं तेजस्वी यादव का, जिसने हमारे नए यंग, नए ब्लड को जो है उसने जो है मौका दिया, कहा कि आप आ जाओ और मैदान में आकर के हमारा हाथ बुलंद करो, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। और इंशाल्लाह अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि वो मेरा कैंडिडेट जीतेगा। और मासूम ना बाजपट्टी दौरा में लगभग मैं 1 महीने से मैं घूम रहा हूँ। अभी जो यहाँ के लोग जो आवाम बाजपट्टी के जो चाह रहे हैं कि हम कोई नया उम्मीदवार लाए, क्योंकि पिछले दिनों में, पिछले 10 सालों से एक कैंडिडेट थे जिनको, जिनके ना काम करने की वजह से लोग बुरी तरीके से परेशान हो गए और राजद ने बहुत ही अच्छे कैंडिडेट को उतारा, नौजवान कैंडिडेट को उतारा। और देख रहा हूँ मैं कि यहाँ ज़बरदस्त ज़मीनी लहर है, कोई आवाज़ी लहर नहीं है या कुछ नहीं है, ज़मीनी लहर है।
ये बागपट्टी 27 की के जो भी लोग हैं वो सब चाह रहे हैं कि मैं नया युवा नेता को, जिस तरीके से गुरहल शरीफ से लोग आए हुए हैं, मिस्टर जावेद साहब, बनौल से आए हुए हैं कलाम साहब, पकतूला से आए हुए हैं, ये तो हरपुरवा गांव है, इधर के लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इधर के अपना मत है, सब लोग इस साप से पहले पूरा एक तरफा वोट गिरेगा राजद पे, लालटेन छाप पे, और कम से कम 50,000 से लीडिंग होगी। दशरथ पासवान जी, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आखिर मुकेश कुमार यादव जी में आपने क्या देखा कि आप लोग उनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरीके से आप उनको आगे बढ़ाने। पहले हम महागठबंधन के चुनावी दौरा में चलते चलते सभी आवाम को आदाब सलाम और प्रणाम करते हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम लोगों को बीच जो यंग युवा कैंडिडेट 27 बाजपट्टी से जो भेजे हैं, इनके अंदर जो भाव है मुकेश जी के अंदर, वो हम समझते हैं कि जितना भी कैंडिडेट खड़े हैं 27 बाजपट्टी विधानसभा से, इनका गुण एक भी कैंडिडेट में नहीं है, और इसी को देखते हुए हम तमाम बाजपट्टी विधानसभा के जितने भी नौजवान साथी, माता बहन बुजुर्ग सब एक तरफा वोट करने जा रहे हैं, या अनुसूचित जाति, महादलित, सभी लोग एक जोरदार वोट करेंगे, और बिहार में RJD के उम्मीदवार श्री मुकेश कुमार लाल को बिहार फर्स्ट करेंगे जीत के लिए। कलाम खान साहब बनौल से ये भी कहते हैं इस मुहिम में, यानी कि जो दौरा चल रहा है उसमें जुटे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आखिर आप मुकेश कुमार जी को पर भरोसा क्यों करते हैं? इसलिए कि वो युवा हैं, 10 साल से प्रमुख है, वो जमीनी जमीन में उनका जमीनी पकड़ है, उनका हर आदमी से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक रहा, 10 साल हम लोग ने देखा है उनको, इसलिए हम लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और मुकेश जी को जिताना चाहते हैं। हम बोखरा ब्लॉक से बनौल से आते हैं, वहाँ एक ऐसी लहर है कि कहीं कोई अता पता नहीं किसी का, एक तरफा वोट, हम लोग उधर से आए हुए हैं यहाँ लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग वहाँ एकजुट है, आप लोग भी एकजुट होइए, यही मेरा कहना है। मोहन जी हैं, ये कोहर पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। मेरा नाम मोहन राय, अभी जो है मुकेश जी जो है युवा नेता है, सब जाति के लोग जो है उनके नाम पर वोट देने के लिए सबके काम, जब फोन करते हैं तो सब तैनात रहते हैं, इसलिए जितना बाभन भुईयार चाहे जो भी जो जाता है सब लोग उनके वोट देने के काम के लिए तैयार है। और भी हमारे नौजवान दोस्त हम चाहेंगे कि अपने कुछ नौजवान दोस्तों से आइए, आप नौजवान हैं, युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं, तो आप उनके अंदर क्या ऐसे एनर्जेटिक बटकते हैं कि आप उनके पीछे जा रहे हैं, आप उनको किस? सबसे पहले तो तमाम को सलाम मेरा अर्ज है, और रही तेजस्वी को सरकार बनाने की बात, तो एक युवा है और मैं खुद युवा हूँ तो युवा वाली बात करूँगा। तेजस्वी सरकार युवाओं से एक वादा किए हैं कि 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे, और जात पात से हट करके वो काम कर रहे हैं, हर जात को एक जैसा दर्जा दे रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, और अच्छा सोच के साथ उतरे, इसीलिए तेजस्वी को सरकार बनाना है, और बिहार में बदलाव की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम लोग सोचे हैं। और तेजस्वी जी ने 10 लाख कहा है, NDA ने 19 लाख कहा है, 19 लाख तो ज़्यादा होता है, 19 लाख ज़्यादा होता है, लेकिन जो सही है वही बताएं तेजस्वी जी, मेरे ख्याल से, और सारे लोगों को इस बात की खबर है, और जो सही है वही बताएं। और हमारे करते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं? हमारा सवाल यही है कि मुकेश कुमार यादव जी को आप लोग शायद सपोर्ट कर रहे हैं, 10 साल से, तो आखिर दोनों में आपको क्या फर्क लगता है, कौन आपको जमीनी लीडर मालूम होता है और कौन वो है जो आपके दुख दर्द में हर वक्त खड़ा? पिछले
1990 से मैं जनता दल राजद में हूँ, उससे पहले जनता दल हुआ करती थी, तब से इस पार्टी में है। इस पार्टी के साथ हमने जो ना बड़ा बढ़िया मजबूती से उनको जिताने का काम किया है और जिता करके सारे पार्टी को जो ना भेजा और मदद किया है। अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव के प्रति बिहार की लहर है, इस लहर के साथ हम सभी लोग खड़े हैं और यही बात है, मेरी बात से अपनी बात खत्म करना चाहिए। और हमारे साथ यहाँ पे कहते बहुत सारे लोग हैं जो इस रैली में निकले हुए हैं और वो समझिए कि एक तरह से आरजेडी महागठबंधन को जिताने के लिए पुराज़्म है।